ऐसा नहीं होता ना गाइस, सब अपनी स्टोरी सुना के चले जाएंगे, हम चुप रह जाएंगे, किसी को बोलते नहीं है। उल्टा वीडियो डाली तो टीम से किक। वर्ल्ड लीग के आसपास मैं कॉम्पिटिटिव की वीडियो शेयर नहीं करता था, क्योंकि मैं चाहता था कि जो भी मैं गाली मरता हूं, मतलब देखो कॉम्पिटिटिव में हम लोग खेलते हैं। मेरी आज मेरे पास लड़का रखा हुआ है मैंने सैलरी पे, जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये चेक करता है कि वीडियो में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कंटेंट नहीं है, और वो क्लियर करवाता है एडिटर से। उल्टा सीधा सब बकते हैं वीडियो में, पर्सनल में सब बक, मतलब जब कॉम्पिटेटिव खेल रहे हैं सब गाली देते हैं। तो मैं क्लियरली बोला कि मेरा आवाज नहीं जाना चाहिए वीडियो में, कुछ भी हो जाए। अगर मेरा आवाज गलती से गया तो फिर जो भी उसने बोला वो सही था, मेरा आवाज गया ऑब्वियसली। अगर मैं किसी को कुछ गाली दे रहा हूं या कुछ भी, तो वो जब सामने किसी के जाएगी तो ऑब्वियसली मेरी गांड फटेगी ना, तो मैं अपनी गांड बचाऊंगा ना। हाँ, हमारी इनकम इनकम का 5% भी नहीं है जो कि हम उनको ज्यादा नहीं दे सकते। या अंबानी का कोई नौकर होगा, अंबानी अंबानी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नौकर होगा या कोई भी काम करने वाला होगा, मतलब अंबानी का कोई भी काम करने वाला, जो उन रिलायंस टीम बोल लो, रिलायंस टीम में कोई भी बंदा होगा जो 5-10 साल 20 साल से काम कर रहा होगा, वो बंदा आके क्या ये बोलेगा कि अंबानी सर आपकी के मेरी सैलरी तो आपकी इनकम की 1% भी नहीं, आप मेरे को 1% दे दो, आप मेरा सैलरी बढ़ा दो। ऐसा सैलरी बढ़ता होता है? सैलरी वर्थ से बढ़ता है या ऐसा बढ़ता है? दो जब से मैंने कॉम्पिटिटिव स्टार्ट किया है उसके 2 बार मेरा सैलरी बढ़ा है। गेम वर्ल्ड लीग से पहले से, वर्ल्ड लीग से पहले जो मेरा सैलरी था, मेरा आज भी वो सैलरी है, आज उससे हाफ है। और वो कम क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बीजीएस में हगा, मेरी टीम ने बीजीएस में हगा, तो सबको नीचे जाना पड़ेगा। वीरू बोल रहा है 18 घंटे ग्राइंड करता था तो हर इंसान सेम नहीं होता। 18 घंटे ग्राइंड करना, इट्स हिज चॉइस। वीरू ने बोला ना कि मैं टीम का साथ नहीं देता, उस टाइम डायरेक्टली मैं बोला स्काउट नहीं आ सकता तो मेरा भी नहीं हो पाएगा। सोल क्या ऑफर, सोल देखो नंबर, सोल से नंबर लिए ना, गिल को मना कर दिया मैंने। गिल ने मेरे को बोला कि गिल मावी तो छोड़ के जा रहा है। मैंने गिल को बोला गिल प्रॉमिस करता हूं तुम्हें साथ में लेके जाऊंगा किसी ना के, देखो अभी उस टाइम गेम नहीं था, तो उस टाइम मैं गिल को बोला कि गिल तेरे को मैं लेके जाऊंगा। वीरू को वीरू वीरू शायद उस टाइम वीरू का वीरू वीरू को वारन छोड़ दिया था क्योंकि वो आता नहीं था। और क्या था, सैलरी सैलरी और वर्थ का बात कर रहा हूं। और बात रही यूट्यूब नहीं करने देता था, स्काउट और मावी ही थे जो यूट्यूब स्टार्ट कराते हैं, या जो भी अपने गिल को भी, गिल हो गया जो भी टीममेट आता है, अल्ट्रॉन हो गया, हम लोग सामने से बोलते हैं कि हाँ भाई अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। यूट्यूब भी स्टार्ट करवाई जाती है, बाद में डील की बात, डील भी दिलाई जाती है, ठीक है सब कुछ होता है, वो भी हम ही कराते हैं। वो बहन कोई ऐसा उठ के उनको सबरा नहीं आता कि हम यूट्यूब कर देंगे या कुछ भी, तो ये तो पॉइंट है ही नहीं। और गाइस सबके सामने चैनल पड़ा होगा, वीरू सर्च करो जाके देखो लाइव स्ट्रीम्स कितनी है। अगर ये बात आती है कि ऐसा यूट्यूब नहीं किया, मावी डेली तो नहीं बोलता होगा कि तू डेली स्ट्रीम मत कर। उस टाइम थक भाई ने ऑफर किया गिल XYZ सैलरी प्लस डील, ओके या तो गिल बोला कि इतना सैलरी मेरे को नहीं चलेगा, तो थक भाई क्या बोले, जो तू कॉन्ट्रैक्ट पे है पहले जो भी, थक भाई ने कुछ उसका अमाउंट नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, हम लोगों ने पूछा, मैं और स्काउट आगे होके बात करते थे, हमने पूछा कि तेरा जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो हम मैच करके देंगे। गिल ने बोला यस ओके चलेगा। जो 50% वाला, वो जो टॉन्ट मारा है ना 50% वाला, वो 50% वो पहले भी पे कर रहा था, वो हम लोगों ने अपने आप से नहीं बनाया, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट उसने मैच करने बोला इसलिए बोला हम लोगों ने। और जितना गिल का पहले का लोगों का डील था उससे भी डबल ट्रिपल थक भाई ने ला के दिया। 50% वाला क्लियर, 50% क्यों था, क्योंकि ही वॉज पेइंग ऑलरेडी देयर 50%, इसीलिए उसका कॉन्ट्रैक्ट जो भी था सेम मैच किया गया जो उसको जो उसने मांगा। उसके बाद आता है वीरू का सीन, कि वीरू को कैसे टीम में इकट्ठे करना है बाद में। उस टाइम अल्ट्रॉन फ्रीलांसर था, फंसा हुआ था अपने और के चक्कर में, हम अच्छे बंदे नहीं है ना, हम लोगों ने लॉयर करके दिए, हम लोगों ने सब कुछ करके दिया, हम लोगों ने उसको उसके सही ट्रैक पे लाया, अल्ट्रॉन को एक सही सीधा रास्ता दिखाया। उस टाइम अल्ट्रॉन की जगह वीरू को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वीरू किसी ऑर्ग में बॉन्ड था ऑलरेडी। और उसके बाद रिसेंटली अभी जब वीरू आया, वीरू बोला कि मेरा जो 2020 में जो पैसा मिल रहा था 2022, अरे भाई तू तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो स्ट्रीम भी करता हूं, मैं तो सब मेहनत करता हूं, तो मेरी सैलरी सेम क्यों है? अगर टाइम के साथ सैलरी गाइस हर ऑर्ग ये प्रोवाइड करती है, गाइस हर ऑर्ग बंदा देख के प्रोवाइड करती है। और सुनो ज्वाइन करने से पहले कितना बोला उसने, हाँ जो उसने जो उसका पुराना सैलरी, चलो मैं बोलता हूँ 50,000, तो उसने बोला कि उसका पुराना सैलरी था। हमने मैंने उसको वीरू को पहले बोला वीरू वी कैन पे यू दिस, हम लोग इससे ज्यादा नहीं पे। वीरू ने हमें बताया कि भाई मेरे पास डिवाइस नहीं है, मेरे पास XR है। हमने वीरू को एज अ फ्रेंड हमने उसको डांटा कि यार वीरू तू बेंचत वर्ल्ड लीग का पैसा वैसा जीता था, तू एटलीस्ट अपने एसेट्स तो बना के रखता। 50,000 का वीरू ने रेस बोला, पूछ लेना खुद, ये जो जो मैं बोलूंगा जाके पूछ लेना। तो गाइस 50,000 उसने खुद से यहां बोला, स्काउट और मैंने बोला कि वीरू देख हम वी कैन डू टू थिंग्स, ऑर्ग का फोन चाहिए वो भी लेके दे देते हैं, अगर तेरे को तेरा फिक्स चाहिए वो भी ले लेते हैं, बट अगर एज अ
दोस्त या तू ऐसा हम भाई मानेगा तो हम चाहते हैं कि तू फिक्स डिवाइस ले ले, एटलीस्ट तेरा फ्यूचर के लिए तू ठीक रहेगा। वो बोला ओके। 1,40,000 का फोन आता है, उसको बोला तेरा 3 महीने का सैलरी एडजस्ट होगा, जो भी ऊपर का पैसा होगा वो मिल जाए। उसने सामने से बोल दिया कि उसको फिक्स डिवाइस चाहिए, उसको अपना डिवाइस चाहिए, और का डिवाइस होगा कल को और के साथ ना बैठा बाहर जाएगा वापस और ले लेगी। वो भी उसको बोला वो करना है या फिक्स लेना, वीरू बोला फिक्स लेना। मैं और स्काउट ने अपने पर्सनल पैसे, वीरू से पूछना वो पैसा आया कहां से, अपने पर्सनल पैसे से उसको डिवाइस खरीद के दिया। वो बोल रहा है ना कि हम पे मेरे को साथ लेके नहीं चले, मैंने उस पर ट्रस्ट किया, मैंने उसकी, हमें बोला गया कि वो दोनों तरफ का बंदा है, अंदर की बातें बाहर जाएंगी, बट मैंने ट्रस्ट किया कि नहीं वो ऐसा नहीं है, वो पुरानी दोस्ती है, वो पहले भी बातें इधर उधर करता था, हमें पहले भी बातें आती थी कि इधर की बातें उधर जाती हैं, ये नहीं होना चाहिए, अंदर की बातें कहीं और नहीं जाती, क्योंकि बहुत 1000 तरीके की बातें होती हैं अंदर। पर्सनल बातें देखो हमारे पास भी बहुत होती हैं, मैं भी बोल सकता हूँ, उन लोगों ने मेरे को कितनी बार ऑफर किया है, खुले में भी किया है, कैसे भी किया है, वो चीज अगर मैं आज ऑडियंस के सामने बताऊंगा उसमें बड़ा नहीं हो जाऊंगा, उससे मैं बड़ा नहीं हो जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि मेरे को गॉडलाइक या उधर से ऑफर आया तो उससे मैं बड़ा नहीं होने वाला, वो मेरी मर्जी है, मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता अपने, अब मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता तो नहीं ज्वाइन करना चाहता। मेरे को शूटर बोल, मैं क्या शूटर नाम दे रहा था, तुम्हारे प्लेयर की सैलरी ना उस टाइम बढ़ी थी जब इस शूटर की सैलरी स्लिप मांगे थे तुम लोग दोनों कॉल करके कि तेरी सैलरी स्लिप भेज दे, हमारी और सैलरी नहीं बढ़ा रही, हमें सैलरी बढ़वानी है, या किसी को मैं किसी तरह लड़ना नहीं आया, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, गिल और वीरू को हमारे साथ नहीं जमा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कोई। हम लोग ना जब गॉडलाइक की अनाउंसमेंट हो रही थी, मैं स्काउट एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे कि स्काउट मेरे को बोल रहा है कि मावी तेरे लिए प्लेयर ये बोलते हैं कि तू टॉक्सिक है, मैंने बोला तू खुद का इंप्रूव, मतलब हम लोग अपनी बहस कर रहे थे, एक घंटा एक मिनट का कॉल है, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, एकदम जब अनाउंसमेंट आता है तो गाइस उसके बाद समझ आ ही गया जर्सी, और गाइस जर्सी वर्सी फेंकने का वो लोग बोले, देखो वो लोग बोले कि बाहर ये सब चलता है, उन्होंने खुद भी एक पॉइंट बोला था कि इंडिया के ऑडियंस इमोशनल है, भाई हम भी इमोशनल है हमारी चीजों से, हमारी चीज फेंको के हमें भी, मतलब चलो मैं तो, मेरे को तो कोई हो नहीं हुआ, मैं तो ऑडियंस को दर्द हुआ, ऑडियंस ने हमें टैग कर रखा था कि आपकी जर्सी था फेंक दी, वो कर दी वो कर दी, तो ऑडियंस को दर्द हुआ, हमें नहीं दर्द हुआ, इंडिया की इमोशनल है ऑडियंस, तो भाई हाँ इमोशनल है, तुम ही बोले इमोशनल है। देखो उन लोगों ने बोला कि हम लोग उनको टारगेट कर रहे हैं ये बोल के हम लोग #2Worlding में है, BGIS में वो लोग अच्छा खेले हम लोग चुदे, लोगों ने हमें टैग करना शुरू किया कि गाइस अभी हमें समझ आ रहा है कि #2 क्या होता है, लोग हगे, उसके बाद लोगों ने हमें टैग किया, हमने रीशेयर किया कि चल मेमोरीज पुरानी रीशेयर हो रही है, उसको अगर लोग उठा के ये बोल लेंगे कि हमें बोल रहे हैं हम ये वो ये, उससे क्या मतलब, किसी की बात अपने पे लेंगे तो वो बंदे की खुद की वो है ना, और हम उन्हें क्यों बोलेंगे, हमने कहीं पे लिखा कि हम तुम्हें टॉन्ट मार रहे हैं, कुछ भी हमें कुछ बोलना होगा बोल देंगे ना, यहाँ पे बोल देंगे। प्लीज क्लियर दिस पॉइंट एज वेल, क्या स्काउट को कैरी कर रहा है मावी, स्काउट गेम में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इट्स ट्रू, मैं भी बोलूंगा मैं स्काउट को सही बोलता हूँ, और स्काउट और मावी स्काउट को कैरी कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, स्काउट ने भी मावी को कैरी किया है। आज देखो स्काउट मेरे साथ क्यों आया था, मैं उसको दिखाया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके बाद उसने वो दिखाया जो वो कर सकता था, उसने मेरे को जितना सपोर्ट किया उतना, उसने जितना वो कर सकता था उससे ज्यादा किया, और गाइस गिल के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, गिल ने नहीं बोला, बाकी बंदों ने बोला कि अगर इतना ही था तो अपने बंदों को रख लेते। हम लोग उस इंसान पे कैसे एक्स्ट्रा मनी स्पेंड कर सकते हैं जिसका हमें लग रहा है कि वर्थ नहीं है। जब वीरू ने बोला कि उसने सैलरी का इशू उठाया कि ये सैलरी, हमने उसको डबल ऑफर किया, और वो डबल TSM के मैच में है, SG ये भी जो ऑर्ग है XG EXO इनके अप्रोक्स मैच में है, वो डबल मैच हो गया ना तो इनके मैच में है, हमने उसको डबल ऑफर किया है, वो बोला कि नहीं रहना है उसको, के बंदों को खाना खिलाना कौन सी बड़ी बात हो गई, बोलना नहीं चाहता बट बोलूंगा। गाइस स्काउट के पुराने घर पे मैं भी गया, आई नो वो कैसी जगह से बिलोंग करता है, वो पैसा नहीं बांट सकता, वो भी एक नॉर्मल घर से है, बहुत नॉर्मल घर से है, बताना नहीं चाहूंगा, बहुत नॉर्मल घर से है, खुद से करके आया सब कुछ, वो बंदा तुम्हें अपने घर, देखो पास तो कोई नहीं भूलता ना, जो जहां से ऊपर बढ़ के आया वो कभी नहीं भूलेगा ना, तो गाइस जब वो बंदा अपनी शेयरिंग से आप बोल लो अपने खुद से, तुम जिस बंदे को तुम इतनी बात छोड़ते हो, इतनी गांठ फाड़ते हो कि बहन ऐसा चूतिया लौड़ा लसुन, वो बंदा तुम्हें हाथ से खिला रहा है तो बड़ी बात है ना, ऑब्वियसली बड़ी बात है, मेरे लिए तो बड़ी बात है, जो बंदा इतना टॉक्सिक है सब कुछ है वो तुम्हें खाना खिला रहा है वो बड़ी बात है, बड़ी बात वो